अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। और वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, और मैं वॉकिंग करता 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 अपने घर चला जाऊंगा, है ना? You're right, very simple. तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? ये शर्त मैंने नहीं, आप ही की बेटी ने लगाई थी। अगर मैं हार जाता तो ये मेरी दौलत पाने की चाह में मुझे मांग लेती, और फिर मुझे उसे शादी करनी पड़ती। अपने ही जाल में फंस गई बिचारी आपकी लाडली। दोस्तों, ये एक आम बात है कि अगर कोई फिल्मी बैकग्राउंड से है तो फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत आसान हो जाता है। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं वो फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, यानी उनका फिल्मी बैकग्राउंड है। उनके पिता अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, और कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई थी। उनकी माँ वो भी अपने वक्त की मशहूर हीरोइन रह चुकी हैं, लेकिन अफसोस वो फिर भी टॉप के हीरोज की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, और वो हैं द वेरी स्मार्ट, हैंडसम, टैलेंटेड अरमान कोहली। मैं तेरी ऐसी बदतर हालत कर दूंगा कि तुझे जन्म देने वाले भी तुझे नहीं पहचान सकेंगे। तेरी भयानक लाश उन सब कुत्तों की मौत का पैगाम होगी जो मेरे भाई की मौत पे शरीक थे। मैं वक्त हूँ, रुकता नहीं, मैं नक्श हूँ, मिटता नहीं, मैं मुश्क हूँ, छुपता नहीं, मैं इश्क हूँ, छुपता नहीं। 23 मार्च 1972 में पैदा हुए थे अरमान मुंबई में एक पंजाबी फैमिली में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके पिता अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, और कई मल्टी स्टारर फिल्में बनाई थीं, जैसे नागिन, जानी दुश्मन, बदले की आग, नौकर बीवी का और राजतिलक, और उनका नाम था राजकुमार कोहली। अरमान की माँ भी अपने वक्त की एक मशहूर हिंदी और पंजाबी फिल्मों की हीरोइन रह चुकी हैं, और उनका नाम है निशी। अरमान का एक छोटा भाई भी था और उसका नाम था रजनीश। और हम आपको बता दें कि अरमान का असली और पूरा नाम है मोनिश कोहली। अरमान ने अपनी स्कूलिंग की OLPS हाई स्कूल से, जो चेंबूर में है। बचपन से ही उनके घर का माहौल फिल्मी था, पिता एक मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और माँ पंजाबी फिल्मों की हीरोइन, इसलिए जाहिर है कि अरमान का रुझान भी फिल्मों की तरफ हुआ। बचपन से ही वो अपने पिता के सेट्स पे जाया करते थे उनके साथ, और उनकी कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम भी किया, जैसे बदले की आग और राज तिलक। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम राजकुमारी को महल से ले आए और राजमाता के हुक्म से हमारी बस्ती जलाकर राख कर दी गई। अरमान जब बड़े हुए तो बहुत हैंडसम निकले, इसलिए उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब अरमान को लॉन्च किया जाए, और 1992 में उन्होंने अरमान को लॉन्च किया। फिल्म का नाम था विरोधी, और अरमान के ऑपोजिट थी नई लड़की हर्षा मेहरा। मैं इसे खास चुन के लाई हूँ तुम्हें हीरो से जीरो बनाने के लिए। अब हीरो बनकर दिखाओ तो पता चले। कल जो हुआ वो उतना ही सच्चा जितना आज होने जा रहा है। कल मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारी इज्जत का सवाल था, और आज मैं इसे इसलिए मारूंगा क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। ये फिल्म एवरेज रही, लेकिन अरमान का काम और उनकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत पसंद आई। वो एक अच्छे एक्टर थे, अच्छे डांसर थे और बहुत अच्छे स्टंट्स करते थे। ऑल इन ऑल अरमान वॉज अ ग्रेट पैकेज। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म ऑफर की गई। फिल्म दो हीरोज की कहानी थी, एक थे अरमान कोहली और दूसरे थे ऋषि कपूर। अरमान को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने फौरन वो फिल्म साइन कर ली, और पहला शेड्यूल होने के बाद अरमान को ये लगने लगा कि ऋषि कपूर को ज़्यादा माइलेज मिल रहा है, इसलिए नाराज होकर उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। और आपको सुन के हैरत होगी कि अरमान को इस फिल्म में रिप्लेस किया शाहरुख खान ने। फिल्म का नाम था दीवाना, जो आई थी 1992 में, और दीवाना सुपर डुपर हिट हुई। इसी दौरान
अरमान को एक और फिल्म ऑफर की गई। हीरो का रोल नेगेटिव था और अरमान नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो फिल्म रिफ्यूज कर दी। और बाद में शाहरुख खान ने ये फिल्म भी एक्सेप्ट कर ली, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फिल्म का नाम था बाजीगर, जो आई थी 1993 में। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और शाहरुख खान एक स्टार बन गए। और अरमान को आज तक इस बात का अफसोस है कि उन्होंने दीवाना और बाजीगर क्यों छोड़ी। दोस्तों, अरमान ने अपनी इस भूल को सुधारने के लिए कुछ फिल्में साइन कर ली, और वो फिल्में थी दुश्मन जमाना, अनाम और कोहरा। ओ छड़ी रे छड़ी, कैसे गले में पड़ी ये छड़ी, तुम्हें हमारे करीब बुला रही है। तेरा गुस्सा सुभान अल्लाह। ये तीनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई और अरमान को फिल्में मिलना कम हो गई। राजकुमार कोहली ने जब देखा कि उनके बेटे अरमान का करियर टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा कि बेटा, हमारा खुद का इतना बड़ा बैनर है, हम मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बनाऊंगा। और उन्होंने एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था औलाद के दुश्मन, जो आई थी 1993 में। अगर आज रात को 12 बजे तक तुमने मेरे प्यार का जवाब ना दिया, तो मैं इस जिंदगी को ठुकरा दूंगा जो तुम्हारी मोहब्बत के बिना अधूरी है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पे दिल निसार किया, मर के भी हम होंगे ना जुदा मेरे सनम। दोस्तों, औलाद के दुश्मन बॉक्स ऑफिस पे पिट गई, फिर भी अरमान ने दो फिल्में साइन कर ली, वीर और जुआरी। हाँ हाँ, पाप है एक मर्द और एक औरत का बिना किसी रिश्ते के एक ही घर में रहना, पाप है। आज इसने कहा, कल सारी दुनिया कहेगी, आग लगा दूंगा इस दुनिया को। ये फिल्में भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर उनके पिता यानी राजकुमार कोहली अपने बेटे की रेस्क्यू के लिए आए और उन्होंने एक फिल्म अनाउंस कर दी। फिल्म का नाम था कहर, जो आई थी 1997 में, और उस फिल्म में उनके साथ थे सनी देओल और सुनील शेट्टी। ओ राजा, दूसरों को जख्म देने वाले, आज मेरा जख्म अपने पे ले लिया। ये जख्म नहीं, प्राश्चित है। प्राश्चित? हाँ। लेकिन अफसोस, ये फिल्म भी नहीं चली और अरमान अपने करियर को लेके डिप्रेशन में चले गए और बहुत मायूस हो गए। फिर पिता से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने बेटे को लेकर एक मल्टी स्टारर फिल्म प्लान की। इस फिल्म में बहुत सारे हीरोज और हीरोइंस थे, जैसे सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफ्ताब शिद्ध सहानी, मनीषा कोरेला और सोनू निगम। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, जो आई थी 2002 में। हर नए जन्म में इंसान अपने पिछले जन्म को भूल जाता है। उन रिश्तों की खातिर तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारे और मेरे बीच हैं। ना मैंने सदियां देखी हैं और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। तो फिर मेरे गीत की आवाज सुनकर बेसुध होकर यहाँ क्यों चली आई? इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद और इतने सारे स्टार्स होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई। हर बार अरमान के पिता उन्हें सपोर्ट करने के लिए फिल्म बनाते, लेकिन हमेशा नाकामयाब होते। इसी बीच अरमान को एक बाहर की फिल्म ऑफर हुई। फिल्म के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता। फिल्म का नाम था एलओसी कारगिल, जो आई थी 2003 में, और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। अरमान इस फिल्म में वन ऑफ द हीरोज थे और बिल्कुल नोटिस नहीं हो पाए। अरमान ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और तकरीबन 10 सालों तक वो फिल्मों से गायब रहे। 2013 में अरमान एक रियलिटी शो में नजर आए, बिग बॉस में, लेकिन वहां भी वो अपने गर्म मिजाज की वजह से ऑडियंस को पसंद नहीं आया और कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर गए। अलबत्ता शो के होस्ट यानी सलमान खान से उनकी गहरी दोस्ती हो गई और सलमान ने अरमान को अपनी अगली फिल्म के लिए रिकमेंड कर लिया। फिल्म का नाम था प्रेम रतन धन पायो, जो आई थी 2015 में। ये दोनों यहां राष्ट्रतिलक के वक्त। सर, खबर मिली है कि ये बहरूपिया आज इन्हें ये महल देने वाला है। प्रेम रतन धन पायो अरमान की आखिरी फिल्म थी और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गए।
2021 में अरमान को एक बहुत बड़ा धचका लगा जब उनके छोटे भाई यानी रजनीश इस दुनिया को छोड़ के चले गए। रजनीश पर्सन विद स्पेशल नीड्स थे और अरमान ने उन्हें बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया था। अरमान रजनीश से बहुत अटैच थे और रजनीश को बहुत प्यार करते थे। अरमान इस गम से संभले ही थे कि गम ने उनकी जिंदगी में एक बार और दस्तक दे दी। उनके पिता राजकुमार कोहली 24 नवंबर 2023 में ये दुनिया छोड़ के चले गए। अरमान बिल्कुल टूट गए क्योंकि उनके पिता उनके दोस्त फिलोसोफर और गाइड थे। अरमान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला क्योंकि उन्हें अपनी माँ को संभालना था। दोस्तों अरमान ने आज तक शादी नहीं की, वो मुंबई में रहते हैं अपनी माँ के साथ और कहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।